प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपको आप एक फंक्शन लिख रहे जिस जो कि एक्चुअली बीएससी का ही फंक्शन है, बीएससी क्लास का फंक्शन, ठीक है, बीएससी क्लास के फंक्शन के अभी तक मैंने इंसर्ट फंक्शन है, ठीक है, और प्रिंट एल एन आर, प्रिंट एन एल आर और ये फंक्शन, ठीक है। अब जो अगला आपने फंक्शन लिखना है वो ये है, और करना क्या है इसने कि इसने सारे लीव्स प्रिंट करें, ठीक है, सारे लीव्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ तो ये मेरा ट्री है, अगर मैं कहूँ जी मेरा बी एस सी है तो कौन कौन से नोड प्रिंट होने चाहिए बता दूँ? आपने प्रिंट करना है ना वो इस तरह करना है, लेट से सी आउट जो करना है ना वो इस तरह करना है, वन प्रिंट वन, ठीक है, और इसका पेरेंट टू, सही तो आपने फिर क्या प्रिंट होना चाहिए? थ्री डेटा है उसका और इसका पैरेंट क्या है? अगेन टू, ठीक है, और क्या प्रिंट होना चाहिए? सेवन, ये भी होना चाहिए, फोर प्रिंट होना चाहिए और इसका पैरेंट डेटा क्या है? फाइव, ठीक है, फिर क्या है? सेवन प्रिंट होना चाहिए और इसका पैरेंट एट है, और टेन प्रिंट होना चाहिए और इसका पैरेंट नाइन, ठीक है, ऑलराइट, मेक सेंस? और तो कुछ भी प्रिंट होना चाहिए सर, ये भी होना, कौन लेफ्ट मोस्ट, कौन सा जो भी आपने सर्कल दिया, हाँ ये कर दिया, ठीक ठीक है, सो फास्ट रबर ये सर, ठीक है, पेरेंट का पॉइंटर अवेलेबल है, पेरेंट का पॉइंटर है, हाँ अभी भी बताया ना, अभी हमने इंप्लीमेंट किया है, ठीक है, तो वो चल पास हो जाए, चल नहीं लिख दिया ना, ये तो मैंने लिख दिया, अब आपने ये लिख, कर ले लिखा
रुका दो मिनट केयरफुल है इस तरह का सिनेरियो उसे क्रैश नहीं होना चाहिए इसके साथ क्या क्या प्रिंट होगा ये नहीं होगा ये लीफ तो नहीं है हमने पैरेंट प्रिंट नहीं करना लीफ प्रिंट है हमने सिर्फ लीफ प्रिंट करना है नहीं ये तो होगा लेकिन हमने लीफ तो ये प्रिंट होगा ये प्रिंट होगा ये प्रिंट मैं कह रहा हूँ कि वो जो केस लगा रहे हैं ना उस केस में उन्होंने लीव का चेक लगाया हुआ वो ठीक है लेकिन इसकी रिकर्सिव कॉल किस किस को कॉल करेगी इसको और इधर इसको भी कॉल करेगी ये कॉल करेगी तो इसका अगर तुम लेफ्ट चेक करना शुरू कर दोगे तो वो क्या वो क्रैश कर देगा लेफ्ट नल का लेफ्ट क्या होता है नल कॉन्ट्रैक्शन
Destaca la música. तो वो ये उत्तर वाले रिटर्न हो जाएगा फंक्शन ना फॉलो करना
सी आउट ना भी हो बाद में सी आउट आप उसके लिए अलग चेक लगाओ, इधर जब तेरी कंडीशन टू हो गई ना तो मतलब आगे नहीं जाना है, ये रिटर्न कर देगा वहाँ से, यहाँ पर रिटर्न करेगा वहाँ पर सी आउट हो रहा होगा, मतलब इसके नीचे एक कंडीशन है ले पकड़ यहाँ पर रिटर्न करा गेट लेफ्ट गेट आउट खाली उसके बाद दोबारा फंक्शन बोलो तो बेच के हाँ रिकर्जी का फंक्शन है इसमें लेफ्ट बोलो और उधर सी आउट भी तो दोबारा ना फिर हाँ तो वो भी मीट कर रहा है फ्री टाइम से पहले सी आउट करा डेटा आगे करेगा फिर इनके फंक्शन को तो बस बारिकल सारे के सारे कॉल हो जाएंगे काम हो दोबारा नहीं दोबारा नहीं कॉल होगा यार क्या दोबारा नहीं कॉल होगा दोबारा कॉल अभी आप इसके नीचे आप पहले सारे के सारे लेफ्ट चेक कर लो लेफ्ट के लिए कॉल कर लो अभी ये खत्म हो गया ना आप इसके नीचे आप फंक्शन कॉल कर लो इसका डिकर्जन में लेफ्ट पास करा दो ओपन हो गया लेफ्ट जब लेफ्ट सारे के सारे चेक हो जाएंगे जाते जाते तो रिटर्न यहीं पे हो रहा है ना लेफ्ट पे रिटर्न हो जाएगा आखिरकार जब सारे नोट रिटर्न हो जाएंगे लेफ्ट तो उसके नीचे वाला क्या होगा राइट का कॉल तो वो राइट पे जाते जाएंगे और आखिरकार जब राइट पे सारे नल हो जाएंगे और काम खत्म हो जाएंगे हाँ काम होगा ठीक है अगर वो आर इन डाल होता कल वो आता ना बेच के कि वो आर इन डाल होता खत्म लगा तो मैं दूसरा बेच के इधर वो सी आउट अगर वो एट और आ जाता है उसके बाद रिकर्जिव कॉल करनी है सेम है सही है तेरा नीचे कजन प्रिंट करा दे राइट राइट का हाँ अपने लेफ्ट के सारे कजन प्रिंट राइट के लिए सारे जगह रिकर्सिवली हो रहा है ये काम भी मेरा रिकर्सिवली हो रहा है
तो प्रिंटिंग में भी मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना है कि मेरी बारी कब आई, ठीक है? आपको याद होगा LNR जब हम कर रहे थे, LNR जब कर रहे थे, LNR, तो मैं कहता हूं रिकर्सिवली मुझे पता है कि मुझे भी ऐसा, अगर मुझे लेफ्ट ट्री को प्रिंट करने का LNR का तरीका किसी को आता है, ठीक है, वो मुजैब ने अली को दे दिया, और इसी तरह हमने कहा कि तैमूर हमें राइट के बारे में दे दिया। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो सिर्फ ये है कि मैं क्या करता हूँ, मैंने जब LNR में प्रिंट करता हूँ, किसमें प्रिंट होता है, एल एन और आर में, ठीक है ना? जब LNR प्रिंट करता हूँ मैं कहता हूँ रिकर्सिवली पहले ये प्रिंट करो, ठीक है? जब ये पूरा प्रिंट हो जाएगा फिर मेरी बारी, और फिर ये तैमूर वाला काम शुरू, लेफ्ट ब्रांच वाला, राइट ब्रांच वाला, मुझे हमेशा वो मेरी राइट ये होती है, आपकी लेफ्ट ये होती है, ठीक है? ये समझ में आएगा, ठीक है? तो रिकर्सिवली जो प्रिंट करने की बात करें तो आपसे सिर्फ और सिर्फ ये मेंटेन रखना है कि भाई मेरा अपना अपनी लोकेशन क्या है प्रिंट करने, ठीक है? वो ये कि पहले जो है वो लेफ्ट ब्रांच ने प्रिंट होना है, फिर मैंने प्रिंट होना है, और फिर राइट ब्रांच, ठीक है? ऑलराइट, आप बिल्कुल वही काम इसी तरह का यहां पर होंगे, लेकिन यहां प्रिंटिंग का क्राइटेरिया और है, ठीक है? अच्छा, हम सेफली अज्यूम करते हैं, और वो सेफली अजम्पशन हमारी क्या है कि हमें अब अली को क्या अवेलेबल है, हम जब रूट पे खड़े हैं, रूट पे खड़े हुए बंदे को क्या अवेलेबल है कि लेफ्ट ट्री के सारे लीव्स कोई प्रिंट कर देता है, राइट ट्री के सारे लीव्स कोई प्रिंट कर, हमें नहीं पता कौन करता, ठीक है? हम सिर्फ ये कहेंगे कि रिकर्सिवली प्रिंट करो, ठीक है? प्रिंट लीव्स करो किसके, ए रूट के गेट लेफ्ट, गेट लेफ्ट, ओवर गेट, गेट राइट, और इसी तरह रिकर्सिवली प्रिंट करो ए रूट के गेट राइट, ठीक है? ये समझ में आया, ये बिल्कुल मुझे वो कर देगा। अब जो सिर्फ और सिर्फ काम रह गए वो काम क्या है, और वो काम ये है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं खुद लीव हूं, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं जिस जगह पहुंच गया हूं वो मैं खुद लीव होगा, यानी मेरे से आगे ट्री स्ट्रक्चर जा ही ना रहा, दो पौधे, एक ये कि मैं खुद लीव हो सकता हूं, उस केस में मुझे अपने आप को प्रिंट करना, दूसरी बात क्या है कि हो सकता है मैं ऐसी जगह मैं एग्जिस्ट ही ना कर पाऊं, ये समझना, ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सर, एग्जिस्ट दो सिनेरियो, एक सिनेरियो ये है कि जो ए रूट है वो ही नल है, यानी ट्री अभी तक बना ही नहीं है, जब ट्री बना ही नहीं है तो प्रिंट क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, उसके लीज कुछ भी नहीं होगा, है ना? एक वो चेक रहता है, अब सवाल ये है कि वो जो चेक है वो इससे ऊपर आएगा इससे नीचे आएगा, देखो दोनों चेक लगा देते, अगर हम वो चेक यहां लगाएंगे, यानी ए रूट हमारा नल है, ठीक है ना? अगर हम इसके नीचे लगाएंगे तो इसका मतलब पहले वो ए रूट का लेफ्ट भेज देगा, यानी नल वैल्यू का लेफ्ट भेज देगा, तो वो नल का एक्सेप्शन है। तो पहले हमें नल का जो नलिटी का चेक लगाना है वो हमें कहां लगाना है, यहां कि अगर हमारा ए रूट ही नल है तो हमें कुछ प्रिंट करने की जरूरत है नहीं, बात हो गई, ओके, ऑलराइट, ये चेक ऊपर लगा, ठीक है? और दूसरा चेक है कि भाई मैं खुद लीफ तो नहीं हूं, ऐसे भी तो सकता है कि रूट सिर्फ रूट ही ऐड हुआ और कुछ भी ऐड ना हो, ऐसे हो सकता है ना? और रिकर्सिवली तो कोई भी सब ट्री एक रूट हो सकता है ना? तो मुझे अपने आप की लीव होने की प्रॉपर्टी को चेक करना है, वो मैं कैसे चेक करूं? अपना लेफ्ट और अपना राइट, तो इफ ए रूट एरो लेफ्ट या गेट लेफ्ट get l double equal to null कर लेते and a root get right double equal to
नल, अगर ये चीज ट्रू है तो अब हमने सी आउट, ठीक है ना, तो आई वुड सजेस्ट कि यहां पर आप सी आउट लिखें और यहां पर स्टार ए रूट कर, और ये जो ऑपरेटर है ओवरलोड कर दे किसके अंदर, नोड की क्लास, ठीक है, जो गेट डेटा करके या जैसे उसका डेटा हुआ वो खुद ही प्रिंट कर देगा, ठीक है, ये बस ना, ठीक है, सो फार सो गुड, अच्छा, सही है, अच्छा एक छोटी सी एरर गलती जो के लोग कर रहे हैं वो लेके उसने क्या किया कि ये यहाँ लिख दिया ये यहाँ नहीं, ये भी नल कॉन्ट्रसेप्शन क्यों यार, मुनीम तो देखो नाली भी चेक कर, मुनीम हाँ जी, अगर ये ऊपर लिखते हैं ये नीचे लिखते हैं तो क्या मसला, अगर तो नल है तो नल के चेक करने से पहले ये चीज चलाए और वो नल का गेट लेफ्ट गेट करे और ये भी नल का गेट लेफ्ट करे और वो करे, ठीक हो गई, ये तो चलो, ठीक, तो चेक नल का चेक उससे पहले लगना चाहिए और उसके बाद हम दूसरा चेक, ठीक है, ये समझ में आ गया, ठीक है, चलिए पेज उलट दे, अगला पेज ये पार, ऑलराइट, नाउ लिसन टू दिस, इसी ये में हमने क्या किया था, हमने लीव्स प्रिंट किए, है ना, हमने प्रिंट लीव्स किए, है ना, मैं अब आपको कह रहा हूं कि प्रिंट लीव नहीं करना, अब आपने क्या करना है, ओके, अब आपने फंक्शन लिखना है यही void, इसका नाम है जी print non leaves, recursive print non leaves, thank you.
Smart. Smart.
अगला जो प्रॉब्लम है वो क्या है, हमने कि ये फंक्शन लिखा, हमने फंक्शन लिखना है प्राइम का, प्राइम काउंट इसको पैरामीटर में पास होता है और यहां पे कोई पैरामीटर पास नहीं होता, यहां पर हम एक और रिकर्सिव प्रिंट प्राइम काउंट भेजते हैं और इसको क्या पैरामीटर पास करेंगे, रूट, इसको रूट भाग भेजेंगे और यू कैन से फ्री अज्यूम तुमने इस प्राइम का फंक्शन लिखा, ठीक है। तो तुमने एसेंशियली ये इन रिकर्सिव प्राइम काउंट बनाना है, इसको ए रूट पास होगा और इसमें कुछ रिटर्न करवाना है। बाय द वे ये फंक्शन जो रिटर्न करवाएगा वही इस फंक्शन ने रिटर्न, तो क्या होना चाहिए रिटर्न यहां पर करेगा, मेक सेंस, ठीक, ऑलराइट, ठीक है, प्लीज रिकॉर्ड इट, ये बहुत सारा एक लाइन कोड है सर। यार ये प्रिंट नहीं है, प्राइम काउंट है, ये कुछ भी शाउट नहीं करा, जो प्राइम होता है हम रिटर्न करवाना है, हाँ रिटर्न करवाना है, प्लस का होगा
क्लास करवाना था, ये तो आप देख लो मेरा ना ग्रे में मेरा फंक्शन बहुत हुआ था वहाँ पे अकाउंट में ऐड हो गया मतलब कर दी फंक्शन कॉल किया लेफ्ट प्लस काउंट करवा लिया प्लस काउंट प्लस काउंट तो फिर अगली दफ़ा जब वो रिटर्न करेगा वहाँ से इंक्रीमेंटेड कर दिया तो वो उसमें फिफ्टी वाले काउंट में प्लस कर दिया यह स्टैटिक का मेरा नहीं ख्याल किया स्टैटिक हर दफ़ा एक बार मेरी कॉपी बन गई उसको फंक्शन है कहाँ पे इंटर फंक्शन इंटर है कहाँ पे फंक्शन कहाँ पे फंक्शन बहुत बार मतलब ऊपर कहाँ पे जा रहा है हाँ पे इधर आएगा ना इधर इंट में आएगा ऊपर इंट बनेगा हाँ स्टैटिक की तेज़ जगह बन गई आपको स्टैटिक वीडियो उसको जहाँ मर्जी यूज कर लो बस स्टैटिक तो नहीं जाना मैं सिंपल इंफॉर्मेशन हाँ उसको कॉल करवा दो फंक्शन के साथ नहीं मैंने लगा बनाया अंदर फंक्शन इंक्रीमेंट करके आगे पास कर दे रहा वापस इंक्रीमेंट कर दे रहा प्लस काउंट कर दे रही करी जो फंक्शन के साथ अच्छा यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गई यहाँ पे काम हो रहा है ना सारा हाँ ये कहाँ समझ गया जहाँ पर प्राइम होगा ना वहाँ पर रिटर्न वन कर देगा और उसके फ़ौरन बाद फंक्शन कॉल कर देगा एल्स में नहीं जाएंगे फंक्शन और यहाँ पर रिटर्न वन होगा